लगाना था रात को जो है अंदर हवा आती है ठंडी तो बिल्कुल ऐसे सोने का दिल नहीं करता। बेगम मेरी जो है वैसे कमजोर है तो मैं किसको उठाने लगती कमजोर नहीं है जैसा भी हो इंसान तो इस सर्दी में तो हर इंसान को ठंड तो लगती तो यार घर का काम जो है मैंने ख़त्म कर लिया है और कुछ कपड़े पड़े थे मैंने सोचा है वो भी धो लें। यकीन माने बहुत ही हमारे पास ठंड है और पानी में तो वैसे भी हाथ जो है डलता भी नहीं है। तो माशाल्लाह से सुहाना को जो है स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं और हर काम जो है मेरे साथ जो है करवा लेती है। अभी हम कपड़े जो है कुछ पड़े थे बचा धो लें। शहर वाले कैसे कपड़े धोते हैं? शहर वालों के पास तो मशीनें होती हैं और हम जो है अपने गांव में जो है इस तरह कपड़े धोते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा सहूलत होती है। मशीनों में जो है कपड़े जो है डाल देते हैं और धुल भी जाते हैं और साथ में सूख भी जाते हैं। हमारे पास वो होती तो हम इतनी ठंड में बाहर कपड़े ना धोते। इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा हम भी दे देंगे। सुबह जो है आपके भाई काम पर जा रहे थे तो उनकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब थी। अब देख देखा हूँ कितनी उसकी धुंध है। हाँ तो थी। हाँ चलो कपड़े धो गए। हमारा किचन भी ख़राब हो रहा था सोना मैं कह रही थी कि इसको जो है अच्छी तरीके से जो है बना ली। आज तो इतनी ठंड है धूप निकलेगी तो किचन में बनाएंगे। हाँ आप सही कह रही हैं काफ़ी ठंड है ना इसलिए बना लेंगे। इसको तरीके से जो है सामने भाई आ रहे हैं सारे इतनी ठंड में। हाँ हम देख रहे हैं कि ठंड तो काफी है पता नहीं उसका क्या हाल होगा। क्या कर रहे हैं बाहर इतनी ठंड में? वैसे भी इतनी ठंड है और आप फिर बाहर आज ज्यादा ठंड है ना हम इसलिए देख रहे हैं कि पता ये सब्जी आप पकड़े। ये मेरी छोटी सिस्टर ने जो है ना ये चिप्स जो है इसके लिए है और साथ फैमिली के लिए भी। तो आप क्या देख रही थी बाहर का माहौल देख रही थी? माहौल नहीं देख रहे थे हम ये देख रहे थे कि सुबह आपकी तबीयत खराब थी तो हमने सोचा कि काफी टाइम हो गया है ना देर हो रही थी। हाँ बस देर तो हो गई है क्योंकि थोड़ा रचका नहीं मिला क्योंकि आपको पता है कि एक तो ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड में बहुत जो है मुश्किल होती है। कल से भी ज्यादा आज ठंड है। अस्सलाम वालेकुम विवस। तो आते सार ही मैंने कहा पहले आप लोगों को सलाम कर लूं क्योंकि ठंड में सर्दी है आग पर बैठूंगे। हाँ अभी आग पे बैठूंगा व्यवस्था तो कुछ सुकून आएगा। यकीन माने कि मैं जो है लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता इतनी ठंड है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नजर भी कुछ नहीं आ रहा। धुंध तो इतनी है ना बहुत ज्यादा धुंध है। और तो काम के दौरान अभी चलते हैं बस अंदर बातें करते हैं ठीक है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना। असल में बस मेरी बेगम जो है ना इसकी हाइट जो है ना थोड़ी सी कम है इसलिए मैंने कहा चलो वैसे भी ये मर्दों का काम है तो ये आप पकड़े। ठंड से बचने का मुफीद तरीका है ये उसके बराबर है ना देखना। देखना आपने लगाना है इधर लगा क्योंकि आप ही कहते रहते हैं क्योंकि काम करते ही रहते हैं ना दिन को सर्दी में तो रात को भी ये कहते हैं मुझे ठंड आ गई तो मैंने सोचा क्योंकि पर्दा लगा दे कुछ जो है सर्दी कम हो जाए। ठंड तो भी बस आ चुकी है लेकिन लगती है ना इसलिए मैंने कहा ये अंदर से ना हवा आती है तो पर्दा जो है लाजमी होना चाहिए। ठंड से बचने का ये तरीका है मुफीद तरीका। लग गया
हाँ रस्सी बांधनी है आप बांध लेती फिर इतनी मुश्किल से मैं बांध रहा हूँ। ये कौन सी मुश्किल काम है, अगर मैं इस टूल पर चढ़ जाती तो मैं खुद भी लगा लेती। हाँ ये बात है, ये तो मुश्किल है आपके लिए स्टूल वाली। जो इसे नहीं उसको ना पकड़े आप, ये जो बचता है फिर उसको क्या करें, इसको जो भी रहने दे फिर काट बाद में काट लेंगे। ऐसा करते हैं फिर डबल ना कर दें, डबल नहीं होगा छोटा है। हाँ डबल नहीं होगा, चले इस बीज लगा देते हैं। काम थोड़ा मुश्किल है विवश, असल में ये मैंने पहले कभी लगाया नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा ये लग रहा है मुश्किल। मजबूत होना चाहिए ना, मजबूत होगा तो इसमें। चलो बस ठीक है, इसे बाद में काट लूं। ये काट लेना, वो देना कपड़ा। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ सब बहने और भाई कैसे रहते होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो माशाल्लाह से मेरे मियाँ जो है घर आ गए हैं और सब्जी भी लेकर आए। बस ये ना पूछेंगे आप कैसे गए हैं, ठीक है अभी शुरू कर रही हूं। बस ये दुआ किया करें कि आप मैं आ जाऊं बस, ठीक है ना। जितनी ठंड है दुआ करती हूं कि अल्लाह पाक जो इनको हमेशा सलामत रखे और सही सलामत जाए और सही सलामत घर आए। तो बिल्कुल व्यस इन सब की दुआ ही होती है ना, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो ठंड ने ना बुरा हाल किया हुआ है, और जो भी परेशानी है, जो भी जो है मुश्किलात, जो काम है रहते रह गए हैं इस ठंड में। बहुत ज्यादा ठंड है, यकीन माने बहुत ज्यादा ठंड है। तो ऐसा समझ लें कि ब्लॉग बनाना भी ना हमारे लिए अब मुश्किल बन गया है। तो एक तो रजाई से निकलने को दिल नहीं करता बेगम को, ठीक है ना, ऊपर से काम होता है। तो अभी ठंड में आया हूँ, कमरे का भी बस पर्दा लगाना था, रात को जो है अंदर हवा आती है ठंडी, तो बिल्कुल ऐसे सोने का दिल नहीं करता। बेगम मेरी जो है वैसे कमजोर है, तो इसको ठंड लगती है। कमजोर नहीं है, जैसा भी हो इंसान तो इस सर्दी में तो हर इंसान को ठंड तो लगती है ना बस। तो माशाल्लाह से अभी हम जो है घर बैठे रहते हैं, कभी आग भी जला लेते हैं, ये जो है काम पर जाते हैं। तो मैं इनसे पूछती थी कि आपका दिन जो है कैसा गुजरता है। बस ठंड काफी ज्यादा होती है, स्टोर में जब पहुंच जाता हूँ जहाँ काम करता हूँ वहाँ हीटर लगा हुआ है, वहाँ जब रहता हूँ कोई मसला नहीं होता, जब बाहर निकलता हूँ तो फिर ठंड रहती है। अभी सुहाना जो है ना भी बस ये अंडे वगैरह मैं लेके आया था, ठीक है ये लो। आज सारी वडेरी बनी बैठी है सुहाना, ठीक है ना। तो इसको हमने चूल्हे पे बिठा दिया, अभी बेगम ने इसको सिखाया है हर चीज ना। तो मैंने कहा सब्जी आप मेरा जो है थोड़ा सा हाथ बटा लिया, मटर निकाल लें, ठीक है वे सब्जी बना रहे हैं आलू मटर। और कल तो इन्होंने मच्छी खाई थी, और मच्छी खा के रात को तो खैर इनको ठंड नहीं लगी क्योंकि मच्छी जो खाई थी इसलिए।